शुरू से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ जैसा मैं एक यतीम लड़की हूँ मेरी चच्ची ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है जब मैं बारह साल की थी एक कार एक्सीडेंट में मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी अच्छा मैंने जॉब करके अपनी मेहनत के बलबूते में अपनी स्टडी कम्पलीट की एक मल्टी में अच्छी जॉब हासिल की जैसा मेरा केस इन साहब पे है जो की मेरे शोहर है और मैं इनकी दूसरी बीवी हूँ ये मेरे साथ मेरे ऑफिस में जॉब करते थे अच्छा जी चार साल पहले इन्होंने ज्वाइनिंग दी तो उसी में आप बिहार मैं इनकी बॉस हूँ जी मैं इनकी बॉस अच्छा तो ये ऑफिस में बहुत चुप चुप रहना किसी से बात करना ही वेरी इनोसेंट मतलब ये दिखाते थे कि बहुत बहुत इनोसेंट हैं परेशान अदाकारी है। कर रहे थे जी जी बेसिकली ये अदाकारी कर रहे थे आपका दिल जीतने के लिए आ, जी जैसा हमदर्दी हासिल करने के लिए बेसिकली अपने कुलीग्स की और मेरी हमदर्दी हासिल करने के लिए जैसे मैंने अपनी जिंदगी में बहुत परेशानियाँ देखी बहुत तकलीफें उठाई बगैर माँ बाप के मैं बड़ी हुई मेरी चची ने के मुझे बड़ा किया जैसे भी एक सहारे की जरूरत थी अच्छा। क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहती मैं अ, मेरी शादी की उम्र हो गई थी पर मैं चाहती थी कि कोई ऐसा लाइफ पार्टनर हो जो मुझे अंडरस्टैंड करे मुझे समझे उससे मेरी चीजों से मेरे पैसे से लालच ना हो और मुझे मुझे उससे लालच ना हो हम दोनों को एक दूसरे दूसरी सच्ची मोहब्बत हो सच्ची अंडरस्टैंडिंग हो गया ना मतलब ये तो आपने कहा मैं अंडरस्टैंड ये तो आपके अंडर था

साहब आपने फिर भी एग्री कर लिया साहब बस मुझे सच्चाई नहीं पता थी इनकी इन्होंने मुझसे छुपा कर रहे दो साल शुरू की एक साल हमारी दोस्ती रही हमारी दोस्ती इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग में तब्दील हो गई कि हम ऑफिस की मीटिंग से कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट शहर जाते रहे मैं, मैंने इनको अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लिया मैंने इनकी डेस्टिनेशन की प्रमोशन करवाया मैंने इनकी सैलरी बढ़वाई हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डिफर, मीटिंग्स अटेंड करने के लिए शहर से बाहर जाते रहे साथ टाइम स्पेंड किया और उन्होंने मुझे कभी जाहिर नहीं होने दिया कि ही मैरिड की जैसा